हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा थे जवान जितने भी वहाँ पे अलायंस के बंदे होते हैं तो सबको उस वोल्केनो के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि तुम सबको इस वोल्केनो के अंदर डालने के बाद ये वोल्केनो से जो डिस्ट्रक्शन होगा उसकी वजह से ये जो फ्लोर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस सुनने के बाद जी हाँ जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे एक स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है वोल्केनो एक्शन चार्ज परसेंटेज 4। साथ ही जो किंग ऑफ क्रोस होता है वो भी नियन जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी अलायंस के वहाँ पे बंदे होते हैं उन सबको उस वोल्केनो के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है और वो अपना क्रो बॉम्ब जो होता है उसको भी यूज करता है, जिस वजह से वहाँ का जो पहाड़ होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है और सारे बंदे जो होते हैं उस वोल्केनो के अंदर गिनना स्टार्ट हो जाता है। वोल्केनो का स्क्रीन फिर से खुलता है जिसपे लिखा होता है चार्ज परसेंट 8, 17, इस तरह वो परसेंटेज होता है बढ़ता जाता है। किंग ऑफ क्रोज जो तो बोलता है कि प्लान जो काफ़ी आराम से जा रहा है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा स्मूथली ये प्लान हम लोगों का काम कर रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं रोनाल्ड और जेलन एंडरसन होते काफ़ी मुश्किल से एक बंदे को उस गड्ढे में यानी वॉल करने में ढकल रहे होते हैं और एंडरसन बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है हमारा प्लान काफ़ी ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है? क्योंकि रोनाल्ड बोल रहा था कि यहाँ पे इनिमीज के जो नंबर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये लोग कितने सारे बंदे यहाँ पे आ चुके। बोल कहने का परसेंटेज 21, 26 तरह जा रहा होता है। जवान और किंग ऑफ क्रोज होते काफ़ी ज़्यादा नंबर में एलायंस के बंदे को उस वॉल करने का डाल रहे होते और फाइनली वॉल करने का इरप्शन चार्ज 29% हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ क्रोस ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा होता है जिसकी वजह से सारे जो एलायंस के बंदे होते हैं वो बहुत सारे उस वोल्केनो के अंदर हो जाते चले जाते हैं। फिर से वोल्केनो का इरप्शन चार्ज 32, 38 इस तरह बढ़ रहा होता है। जवान जो होता है बोलता है कि ये जो चार्जिंग का पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, जिस तरह कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा ये फास्ट चार्ज हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये वोल्केनो काफ़ी जल्दी फट जाएगा और ये फट जाएगा तो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तभी दिखाते जवान के ऊपर कोई जो होता है मैजिकल स्पॉट से अटैक कर देता है और ये देखने बाद किंग ऑफ क्रोस और रोलर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो लोग जवान जवाब चलाने स्टार्ट कर देते हैं लेकिन जवान ने अपने शॉट को सामने करते हुए उन सारे जो अटैक होता है उन सबको ब्लॉक कर दिया होता है। फाइनली वहाँ पे जो वायरस होता है वो आ जाता है, उसने एक स्किन को ऑक्यूपाई किया होता है और वो बोलता है कि तुम F2P प्लेयर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें काफ़ी आराम से मार सकता। उसका जो न्यू स्किन होता है उसको देखने के बाद रोनाल्ड जो तो काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है ये तो वही स्किन है, क्योंकि उसने जो अगलेस्ट किंग किम डॉगजा का स्किन होता है उसको ऑक्यूपाई कर लिया होता है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड या नाइफ के मैजिकल स्वॉर्ड नाइफ का एबिलिटी को यूज़ करने की एबिलिटी होती है। वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे लगता है ये जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये मुझे स्ट्रीम कोलाबोरेशन की मदद से मिला था और ये उसको मैं चाहता हूँ लेकिन ये मेरे लिए पास परमानेंटली नहीं है। वहाँ पर दिखाते वायरस जो होता काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अब और साथ ही वो जवान से बोलता है कि एक ऐसा स्किन है जिसको एक उपाय करने के बाद जिसको अगर मैंने एक बार यूज़ कर लिया उसका तुम्हारे साथ भिखारी बेगर मुझे कभी भी नहीं रहा सकता। साथ ही वहाँ पे हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है ये बेस्ट स्किन है। रोनाल्ड बोलता है ये तो सुपर पॉपुलर स्किन है, इसके पास ये कहाँ से आ गया। जैन जो था अपने अवेकनर वाले जो एबिलिटी तो है उसको यूज करते हुए उसकी तरफ देख रहा, बोलता है कि ये अगलीस्ट किंग है लेकिन इसके बारे में अगली क्या, ये तो कहीं से भी मुझे अगली नहीं लग रही, ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। फाइनली वहाँ पे जो जी हान होता है वो भी आ जाता है और किंग ऑफ क्रोस होता है उसके पास आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ एडन कार्ट, मुझे लगता है कि 500 साल बीत चुके हैं, 500 साल पहले मैं तुमसे मिला था और फाइनल मैं आज तुमसे दोबारा मिल रहा हूँ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करवाता है, जो एडन कार्ट होती है यानी किंग ऑफ क्रोस होता है वो भी बोलता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अलायंस वाले बंदे खुद ब खुद तुम्हें यहाँ पे भेज देंगे, क्या ये ब्रिलियंट स्फीयर का ऑर्डर है कि तुम यहाँ पे खुद ब खुद आओगे? बोलते हैं नहीं 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 मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ पे आना का काफ़ी समय से मन था, मैं यहाँ खुद आना चाहता था इसलिए ताकि मैं और तुम्हारे बीच में जो मसला था 500 साल पहले का उसको मैं फाइनली यहाँ पे सेटल करने वाला हूँ तुम सबको मार देने के बाद। साथ ही किंग का क्रो जो था अपना क्रो आर्मर जो उसको उपाय कर लेता है, वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और जो अगलीस्ट किंग का स्किन लिया वो वायरस होता है वो भी बोलता है कि तुम बिना किसी स्किन के यहाँ पे इतनी देर से हमारे अलायंस के बंदों से फाइट कर रही है तो काफ़ी तारीफ है, लेकिन नेकेड थ्रस्टर तुमने एक मिस्टेक कर दी, तुम्हें अलायंस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे मरने वाले, तुम यहाँ पे मरने वाले। साथ ही जितने भी अलायंस के बंदे होते हैं वो लोग नेकेड थ्रस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जवान के ऊपर अटैक कर देते हैं और जो अगलीस्ट किंग होता है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जवान भी काफ़ी रफ्तार के साथ उन सब की तरफ चार्ज करता है और उन सबको मारते हुए सीधा का सीधा अगलीस्ट किंग की तरफ यानी वायरस की तरफ बढ़ता है। वायरस बोलता है ये बास्टर्ड ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसके पास कोई स्किन नहीं है लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और साथ ही जवान जो था अपने शॉट से उस अगलीस्ट किंग यानी वायरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वायरस बोलता है कि तुम्हारे जितने भी यहाँ पे एफर्ट लगा रहे वो सब बेकार हैं, ये एक लेजेंडरी सीन है तुम इसको नहीं हरा सकते। लेकिन तभी जवान जो था काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और वो बोल रहा था उसके मुंह को ही पकड़ लेता है और वो दर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। जवान जो था उसको मुंह से पकड़ते हुए जमीन पे नीचे गाड़ देता है। जवान बोलता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे F2P प्लेयर बोला था, F2P का मतलब होता है फ्री टू प्ले, जिसका कोई खास एबिलिटी या फिर रोल नहीं। जवान के इतना ज़्यादा पावरफुल मूव को देख वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता, बोलता है इम्पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, इसने लेजेंडरी सीन को डिफीट कर दिया जिसके पास इतनी ज़्यादा हाई एबिलिटी उसको डिफीट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो
सब थे, लेकिन उसके सामने एक स्क्रीन था जिसके ऊपर लिखा था स्क्रीन का ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका, क्योंकि तुमने एक ऐसा स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया है, यूज किया जिसके तुम्हारे पास परमानेंट एक्सेस नहीं है, इसके लिए कुछ टाइम के लिए इसके पास था और इसने उसको यूज कर लिया। बोलता है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्योंकि साथ ही वो चिल्लाने शुरू करता है, रुक जा टाइम आउट, मैं हार मानता। रोनाल्ड सुनने बाद काफ़ी ज़्यादा बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा शेमफुल था, ये यहाँ पे अपनी लाइफ की भीख मांग रहा है जबकि इसके सारे सबॉर्डिनेट्स जो अभी फाइट कर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं, लेकिन ये मरने से इतना ज़्यादा डरता है किसने यहाँ पे हार मान लिया। जैसे बोलते कि हाँ ये देखने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा। कहते हैं कि गोब क्रॉस की तरफ वापस हमें दिखाते जो कि जिहान के साथ फाइट कर रही होती है। रेडियन कार्ड जो होती है वो उस जिहान से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो बंदा यानी वायरस आया था वो फाइनली यहाँ पे हार चुका है। अब मुझे लगता है कि 500 साल बीतने के बाद जो एलायंस के एबिलिटी यानी कि उन लोग का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, उन्होंने किसी भी बंदे को अपने अलायंस में शामिल कर लेते हैं। जिहान जो है किंग ऑफ क्रॉस से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता था वो ऐसा ही हार जाएगा। मैंने एक रूमर सुना था, मैंने ये सुना था कि तुम पपेट बना रही थी काफ़ी समय, मतलब हाल ही में अब तुमने फिर से पपेट बनाना स्टार्ट कर दी। 500 साल पहले जब मैं तुम्हारा अवतार था तो मैंने भी इस एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, तुम जिस तरह से पपेट बनाती थी उस तरह से देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। और वो अपना बैक फ्लैश स्टोरी जो होता है जो कि ये जो जिहान होता है वो एक पास्ट में किंग ऑफ क्रोन यानी ईडन कार्ड का एक अवतार होता है, वो अपना पास्ट स्टोरी बताता है जहाँ पर वो बोल रहा था कि गॉड ईडन चलिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हम लोग को अब पपेट बनाना चाहिए, हम लोग को पपेट बना के इन्जॉय करना चाहिए। और वो जो होता है अपने किंग यानी किंग ऑफ क्रोन से पूछता है कि क्या एक गॉड और उसका फ्लोर इक्वल हो सकता है। जो स्टोरी होती है वो उसका बैक फ्लैश होता है जबकि वो किंग ऑफ क्रॉस का एक अवतार होता है, वापस से स्टोरी जो होती है प्रेजेंट में आ जाती है और वो किंग ऑफ क्रॉस जो होता है वो जिहान से पूछता है कि मुझे लगता है कि एलायंस ने तुम्हें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया इसलिए तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके। वो बोलता है जिहान जो होता है किंग ऑफ क्रॉस से बोलता है कि इन सब के लिए मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, जो पपन क्रिएशन टेक्निक आपने मुझे सिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुई, इसी वजह से मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सका, उन लोगों ने मुझे अपने अंडर ले लिया है और अब मैं एक न्यू गॉड को सर्व करता हूँ, न्यू गॉड का अवतार बन चुका हूँ और उस गॉड का नाम हाई सर्कल होता है कि जिसके पास कोई पर्सनलिटी नहीं है, मतलब उसको मेरे उसका पावर मैं जब मन तब यूज कर सकता हूँ, वो मुझे हाई अमाउंट में वर्ल्ड पावर हमेशा देता रहता है, वो एक परफेक्ट गॉड जैसा कि मुझे चाहिए था। वो बोलती है मतलब किंग ऑफ क्रॉस होता है उसे बोलता है कि गॉड जिसके पास पर्सनलिटी नहीं है तो वो गॉड तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगा क्योंकि तुमने ऐसे ही पावर के लिए तो हम लोग को 500 साल पहले धोखा दिया था। जी हाँ जो था बोलता है कि चूंकि अब मैंने देख लिया कि तुम लोग 500 साल बाद कितने ज़्यादा कमजोर हो चुके हो तो अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि 500 साल पहले मैंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था और मैं एलायंस में चला गया था, उसकी वजह से मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी दिखाते जो किंग ऑफ क्रॉस होता है काफ़ी रफ्तार के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जी हाँ जो था उसके शॉट को ब्लॉक कर देता है, अपने हाथ से उसके किंग ऑफ क्रॉस के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही किंग ऑफ क्रॉस जो होता है उसके हाथ की तरफ देखता है वो अपना हाथ को बंद कर लेता है, मतलब पंच को बना लेता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और साथ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो किंग ऑफ क्रॉस होता है काफ़ी रफ्तार के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाता है, उस अटैक से बच जाता है। किंग ऑफ क्रॉस बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया था और अभी भी तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो, तुम फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम इतने सालों बाद भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। साथ ही वो ऊपर से उड़ते हुआ सीधा का सीधा जियान के ऊपर जंप कर देता है और उसको नीचे की तरफ धकेल देता है। किंग ऑफ क्रॉस के इस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जितने भी अलायंस के बंदे होते हैं वो इधर से उधर फेंके जा चुके होते हैं, लेकिन जो जियान होता है उसको दिखाते हैं उसने अपने दोनों हाथ का यूज करते हुए उसके शॉट यानी किंग ऑफ क्रॉस के शॉट को रोक दिया होता है। बोलता है कि तुम इस तरह से इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी होगी, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मैंने तो सोचा था तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे। साथ ही एक जोरदार पंच मतलब जो किक होता है सीधा उसके ऊपर मारता है और उसको दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा अवतार था, मतलब जो जिहान है वो पहले किंग ऑफ क्रॉस का एक अवतार हुआ करता था और उसने इसको धोखा देके वहाँ से भाग चुका था और किंग ऑफ क्रॉस जो था पीछे की तरफ ढकला जाता है। लेकिन तभी वहाँ दिखाते जिहान जो था काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि किंग ऑफ क्रॉस होता है उसने अपना सेनेटर डिप्लॉयमेंट को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था जिसका नाम ग्रेव क्रॉस होता है, उसको ये देख के बाद वो जो जिहान होता है वो मुस्कुराना हंसना स्टार्ट कर दिया, बोलता है एक सैनिटरी वो भी तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो चुके हो और तुम्हारा जो सैनिटरी वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे पूरे के पूरे विलेज को अपने सैनिटरी में बदलना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर नहीं कि तुम पूरे के पूरे विलेज को खुद ब खुद कंट्रोल कर सकोगे। लेकिन किंग ऑफ क्रॉस जो होता है वो बोलता है कि तुम अभी मेरे पावर को फुली तरह से समझ नहीं सके, तुम पहले भी ना समझते अभी भी ना समझे। वहाँ पर देखा अलायंस का एक बंदा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि पीछे किंग ऑफ क्रॉस का जो डिप्लॉयमेंट होता है सैनिटरी डिप्लॉयमेंट वहाँ से एक मॉन्स्टर निकलता है उसकी एलायंस के बंदे को मार देता है। ये देखना जिहान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अचानक से यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा का पूरा बैटल फील्ड का जो सीनरी होता है वो चेंज हो जाता है, किंग ऑफ क्रॉस का जो सेनेटर डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं निकलते और एलायंस के सारे बंदे को मारना स्टार्ट कर देते, सारे एलायंस के बंदे जो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते और किंग ऑफ क्रॉस हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता। बोलता है कि एक सेनेटर डिप्लॉयमेंट जिसको कि मैंने बिना फुली पावर को रिलीज किए यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, मतलब सेनेटर डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे यूज किया वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम्हारे जैसे बंदे को मैं ऐसे सिंपल से सेनेटर डिप्लॉयमेंट से भी हरा सकती हूँ। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं एलायंस के सारे बंदे जो थे मारे जा रहे
वाले होते, और वो लोग बोलते नहीं नहीं हम लोग को मत छोड़ दो, हम लोग को छोड़ दो, इन सब को हम लोग कैसे मारे, ये लोग तो मर ही नहीं रहे, ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वायरस भी तो वहाँ से डर के भागना स्टार्ट कर देता, बोलता डैम इट ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। साथ ही वो जियान से बोलता है कि जियान आखिर तुम उस चीज़ को कब यूज़ करने वाले हो, इस तरह का चलता रहा तो हम लोग सारे के सारे बंदे जो एलायंस के मर जाएंगे और तुम उस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर पाओगे। जवान जो तो उसकी बात सुनता, बोलता कि ये किस चीज़ को यूज़ करने की बात कर रहा है। साथ ही वापस जियान का सीन निकालते जिसको उस सैनिटरी के अंदर से मॉन्स्टर निकले हुए, तो उन सब मिलकर उसको अंदर की तरफ मार रहे होते। लेकिन तभी जियान जो होता बोलता ईडन कार्ड तुमने कहा कि मैं तुम्हारी पावर को सही से समझ नहीं सकता है ना, लेकिन तुम गलत हो, मैं तुम्हारी पावर को बाकी उसे बेहतर समझ सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अवतार रह चुका। साथ ही वो मुस्कुराते हुए फिर से बोलता है कि अगर तुमने अपने फुल पावर को रिलीज करते हुए अपने सैनिटरी को डिप्लॉय किया है तो इसका मतलब ये कि पूरे पूरे मेटावर्स में कोई भी ऐसा गॉड नहीं, मतलब काफ़ी कम ही ऐसे एक दो ही गॉड ऐसे हैं जो कि तुम्हारे साथ फाइट कर सके, तुम्हें हरा सकते। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने स्ट्रेंथ की मदद से तुम्हें हरा सकूंगा, क्योंकि शुरू से मुझे पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो भी तुम्हारी मनमानी थी वो करने का मौका दिया, क्योंकि जो भी तुम करोगे उसके बाद जो होगा उससे बेनिफिट मतलब मुझे ही होगा, फ़ायदा मुझे ही होगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। साथ ही वो जो क्यूब होता है उसको निकाल लेता है, ये देखने के बाद जो किंग ऑफ क्रॉस होता बोलता है ये तो एक क्यूब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो बोलता है कि जवान भाग जाओ जितने भी लोग हो यहाँ से दूर हट जाओ। जवान उसकी बात सुनता है लेकिन इससे पहले कि कुछ वहाँ पे रिएक्ट करता वो क्यूब को एक्टिवेट कर देता है, वहाँ पे दिखाते हैं जवान का जो एक हाथ होता है वो उस क्यूब की वजह से कट जा। साथ ही जवान और किंग ऑफ क्रॉस दोनों को उस क्यूब के अंदर वो जो बंदा होता है जियान वो तो खींचना स्टार्ट कर देता है, दोनों को फाइनली उस क्यूब के अंदर पूरी की पूरी तरह कम्प्लीटली सील कर देता है। वो एक तरह का जेल होता है या फिर क्यूब होता है जिसके अंदर वो दो लोगों को वहाँ पे कैद कर देता है। फाइनली वो जो क्यूब होता है क्लोज हो जाता है। जो रोना होता है वहाँ पे नीचे पड़ा होता है, बोलता है मिस्टर जवान आप कहाँ चले गए। एडर्स ज्योति बोलती है कि जियान तुम्हें ये क्यूब कहाँ से, ये जो टाइम क्यूब है ये तुम्हें कहाँ से मिला है। जो वहाँ पे जियान होता है बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, मैंने इस चीज़ को स्पेशली तुम्हारे से क्रिएचर के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है उन सबके लिए बनाया। अगर मेटावर्स का सिक्स स्ट्रॉन्ग गॉड भी यहाँ पे आ जाए तो उनमें से कोई भी इससे आसानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो क्यूब है टाइम क्यूब है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये एंड हो जाता है। तो आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी स्प्रेड लव।